मा माइनस थ्री एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वन कोमा फोर ये क्वेश्चन को हमें सोल्व करने से पहले क्या करना होगा इसका एक रफ डायग्राम करते हैं। यानी आपको यहाँ पे एक सर्कल गिवन है तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं जिसमें ए बी ये सर्कल का डायमीटर होगा इट मीन्स ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हम ऐसा बोल सकते हैं राइट right? जिसमें आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है एक कोऑर्डिनेट सेंटर का गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज टू कोमा माइनस थ्री एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज वन कोमा फोर आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करना है सर ये तो बहुत आसान है मेरे लिए आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि ये जो ए बी डायमीटर है ये डायमीटर का मिड पॉइंट होता है उसका सेंटर

एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वन प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये X इसके साथ होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट इसके साथ इक्वेट होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू एंड माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस फोर बाई टू इसका मतलब क्या होगा टू टू जो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर एंड माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फोर इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स इज थ्री एंड वैल्यू ऑफ वाई माइनस टेन सो स्टूडेंट्स हमें यहां पे A के मिल चुके A 3, 10, जो आपका आंसर हो गया तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट इफ ए एंड बी आर द माइनस टू माइनस टू एंड टू माइनस फोर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP पी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए यानी यहाँ पे आपको कोई लाइन सेगमेंट AB बी गिवन है वही लाइन सेगमेंट AB पे कोई पॉइंट P आपको दिया हुआ है और ये जो पॉइंट P है वो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में थ्री इज टू सेवन में राइट हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें सबसे पहले उसका रफ डायग्राम समझना होगा यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मेरे पास लाइन सेगमेंट ए बी है लाइन सेगमेंट ए बी और यहां पे कोई पॉइंट पी आता है अब तक हमने जो भी सम डिस्कस किए स्टूडेंट्स वो सारे सम के अंदर हम कौन सा रेशियो लेते थे एपी इस टू बी इसका मतलब एपी बाई bb हमें ये रेशियो मालूम था तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट p है वो पॉइंट p लाइन सेगमेंट ab को ये दो अलग-अलग पोर्शन -अलग में डिवीजन कर रहा है राइट लेकिन आप यहां पे देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में तो आपको समझ पड़ेगा कि यहां पे कुछ क्वेश्चन और बोलता है इसका मतलब आपको यहां पे क्या गिवन है कि ap इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ab यानी यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ap अपॉन ए बी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन इसका मतलब समझो स्टूडेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपने ये समझ लिया तो इस टाइप के काफी सारे सम आप अपने आप निकाल सकते हो राइट ए पी अपॉन ए बी सर ए का मतलब होता है इतना हिस्सा और ए बी का मतलब क्या होता है ए बी का मतलब ये होता है आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स यानी ये हिस्सा तीन है और ये हिस्सा सेवन है अगर मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा चाहिए तो क्या करना होगा ये ए बी में से ए पी सर माइनस कर दो आप इसका मतलब ये टोटल लेंथ मेरे पास थी उसमें से ये जो तीन लेंथ में माइनस करता हूं तो मुझे लेंथ ऑफ पी बी मिलेगी इज इट क्लियर और नॉट यस तो अब आपको क्या चाहिए और आपको क्या फाइंड करना है सर मुझे तो चाहिए ए पी अपॉन पी बी यानी ए पी का जो हिस्सा है वो तो तीन एज इट इज रहेगा राइट right? एंड जो पीबी का हिस्सा है वो ये टोटल हिस्से में से एपी को आप हटा दो यानी लेंथ ऑफ पीबी आपको यानी उसका जो भी हिस्सा है वो हो जाएगा फोर तो ये आपके सम का टर्निंग पॉइंट हो गया राइट right? तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने वही बातें लिखी हुई है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर माइनस टू कोमा माइनस टू एंड टू कोमा माइनस फोर रिस्पेक्टिवलीयर एपी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन ऑफ ए बी सो दी रेशियो पीबीक्वल टू थ्री इज टू फोर ये वैल्यू कहां से आई आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब तो सम कुछ नहीं है आपके लिए आपको फॉर्मूला भी आता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अब हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ऐसा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट पी हमें गिवन है वो पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को एपी पी बी रेशियो में जो रेशियो थ्री इज टू फोर है उसमें डिवाइड कर रहा है अब तो आपका सम बहुत आसान हो गया अगर आपको पॉइंट कर तो कर तो क्या करोगे आप सर मुझे फॉर्मूलाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ये फॉर्मूला अगर आपको आता है आपके पास एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू है एम वन एम टू की भी वैल्यू आपके पास है तो आप आसानी से निकाल सकते हो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी आप यहां आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स एम वन की वैल्यू होगी आपके लिए तीन एम टू की वैल्यू होगी चार यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू होगी टू एक्स वन की वैल्यू होगी माइनस टू डिनोमिनेटर में थ्री प्लस फोर एज वेल एज हम बात करें स्टूडेंट्स वाई कोऑर्डिनेट की तो ये होगा थ्री इंटू माइनस फोर प्लस फोर इंटू माइनस टू अपॉन टू प्लस थ्री प्लस फोर राइट सो दैट आवर आंसर इज सिक्स माइनस एट अपॉन सेवन इट विल बी तो तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये हो गया आपका फाइनल आंसर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर फाइंड द द द कोऑर्डिनेट्स ऑफ़ पॉइंट्स डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एंड आपके लिए क्योंकि यहां पे आपको समझना है कि ये जो लाइन सेगमेंट हमें गिवन है ए बी वो लाइन सेगमेंट ए बी चार इक्वल हिस्से में डिवाइड होता है ऐसा हमने आगे भी एक सम देखा हुआ है स्टूडेंट्स कि वहां पे हमने देखा था कि लाइन सेगमेंट ए बी को हमें तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना था और यहां पे है चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड यानी वहां पे जो वर्ड यूज हुआ था वो वो वर्ड कौन सा था वो था ट्राइसेक्शन इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी को आप तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो और यहां पे क्या करना है आपको लाइन सेगमेंट ए बी को चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है तो आपको कुछ याद आना चाहिए मैंने पहले भी आपको समझा दिया है स्टूडेंट्स कि अगर तीन इक्वल हिस्से में डिवाइड करना, तो हो, करना है तो आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए दो अगर आपको चार इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है तो आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए तीन एग्जैक्टली exactly राइट right. तो यहां पे आपके पास पॉइंट होने चाहिए लाइन सेगमेंट ए बी को चार इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है तो इज इट क्लियर और नॉट ओके चलिए आप यहां पे देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख रहे हो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको मैंने चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स मैंने यहां पे तीन पॉइंट लिए होंगे एग्जैक्टली राइट सर अब मुझे समझ में आ गया प्रॉपरली राइट सर अब यहां से मैं छोटी सी हिंट का यूज कर सकता हूं आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो तीन एंड चार हिस्से जो इक्वल है वो आपको दिख रहे हैं राइट right? अब यहां से मैं ऐसा बोल सकता मिड पॉइंट ये, ये होगा यहाँ पे जो आपको पॉइंट क्यू दिख रहा है ना वो क्यू पॉइंट लाइन सेगमेंट एबी का मिड पॉइंट होगा सर ऐसा क्यू देखो बच्चा यहाँ पे क्यू की लेफ्ट हैंड साइड पे दो हिस्से क्योंकि राइट हैंड साइड पे दो हिस्से इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि Q इज दिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ मिड पॉइंट का फॉर्मूलाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू और मेरा आंसर आ जाएगा तो यहां से मुझे Q के कोऑर्डिनेट मिल गए अब दूसरा भी आप हिंट यूज कर सकते हो सर R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी राइट क्योंकि आप देखो अगर आर की बात करते हैं हम तो ये आर और ये क्यूबी की बात कर हैं हम तो आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी यानी यहां पे भी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एज वेल एज हम बात करें स्टूडेंट्स ए क्यू के बारे में तो ये जो ए क्यू आपको दिख रहा है उसका मिड पॉइंट है पी राइट right? ये जो पी मिड पॉइंट है तो हमें क्या करना होगा यहां से P is the midpoint of AQ, so that we will use the formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. अरे मेरा तो आंसर आ गया सर अगर मुझे दूसरी मेथड करनी है तो भी आप कर सकते हो तो आप पॉइंट P को ध्यान में रखो ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है वो पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को वन इस टू थ्री हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब देखो ये हिस्सा हो गया वन और ये वन

अब पहला स्टेटमेंट पॉइंट क्यू इज दिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी अगर मिड पॉइंट है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एक्स वन प्लस एक्स वन वाई वन हो जाएगा और ये मेरे लिए एक्स टू बाई टू हो जाएगा तो क्या होगा क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू बाई टू टू प्लस एट बाई टू इट विल बी जीरो बाई टू कोमा टेन बाई टू इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज जीरो अगेन स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आर के बारे में तो हमने अभी समझा हुआ है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं राइट तो अब हम यहाँ पे क्यू और बी के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज एक्स डेस कॉमा वाई डेस राइट right? तो अब हम ये x1 y1 किसे यूज करना चाहेंगे 0.5 को और x2 y2 मेरे लिए 2.8 हो जाएगा तो अब 2 0 प्लस टू बाई टू फाइव प्लस एट बाई टू इट विल बी वन कोमा थर्टीन बाई टू दिट इज योर फाइनल आंसर एंड अब हम बात करते हैं पॉइंट पी की तो पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू सर ये मेरे लिए एक्स वन वाई वन और ये मेरे लिए हो जाएगा एक्स टू वाई टू राइट right? तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है एक्स वन प्लस बाई टू तो ये 2. 2 तो आपको तीनों के तीनों हैं और यही आपका फाइनल आंसर होगा राइट right? तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन फाइंड एरिया ऑफ रोमवर्स If its vertices are 3 0, 4 comma 5, minus 1 4, and minus 2 comma minus 1. In order. Students, हमने अगला एक एक सम भी भी ऐसा देखा था, था, जिसमें आपको एक गिवन था, और वहाँ पे पे यही बात बोली थी, यानी तो उसका बाद का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा लिए हो जाएगा डी के कोऑर्डिनेट राइट तो यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिवली ही लेना होगा ओके okay, स्टूडेंट्स अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए वो फॉर्मूला कौन सा था सर मुझे याद है एरिया ऑफ इज इक्वल टू वन बाई टू डायगोनल टू यानी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन करो और उसके मल्टीपल में वन बाई टू करो तो आपको आंसर मिल जाएगा सर ये डायगोनल की लेंथ ही रिप्रेजेंट करती है यस ए सी इज द लेंथ ऑफ डायगोनल एंड बी सी बी डी इज ऑल्सो लेंथ ऑफ डायगोनल स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके समझ सकते हो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं यहाँ पे कोई रोम्बस ड्रॉ करने की कोशिश करू तो कुछ इस तरह से बनेगा राइट जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी एंड सी डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ओके okay? अब मुझे क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस तो वो उसके लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है वन पॉइंट टू ए सी इन टू बी डी यानी लेंथ ऑफ दिस साइड तो राइट तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे किन के बीच में ए और सी के बीच में तो ये हो गए ए के कोर्डिनेट और ये हो गए सी के कोर्डिनेट अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होगा द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस ऑफ माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फोर दी होल स्क्र इट विल बी अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस योर आंसर इज फोर अंडर रूट टू नाउ लेंथ ऑफ एन अदर डायगोनल विच इज बी बी डी ओके अब हम बी डी की लेंथ फाइन करेंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी ओके okay? तो अब इन दोनों के बीच में हमें अप्लाई करना है डिस्टेंस तो वो अब आपको दोनों लेंथ मिल चुकी है आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है स्टूडेंट्स कौन सा वन अपॉन्ट टू डी वन इंटू डी टू डी वन का मतलब फर्स्ट डायगोनल

अगले सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री थैंक यू वेरी मच